पुलिस की गाड़ी पे रेड और ब्लू कलर का ही सायरन क्यों होता है और कैसे आप किसी भी गेम को एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो। एक ऐसी शार्क जो कि अमेरिका से भी ज्यादा पुरानी है, पर वो कैसे और अब पॉपअप कैमरा वाले फोन्स क्यों नहीं आते, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, आपने स्टेपलर तो कई बार यूज किया होगा, पर क्या आपको पता है स्टेपलर के नीचे इतना ज्यादा स्पेस होता है और वो अंदर से खोखला होता है। ये दरअसल एक स्टोरेज सिस्टम है, आप यहाँ पे चीजें स्टोर कर सकते हो, जैसे कि स्टेपलर्स की पिन और कुछ पेपर के पीसेस, चावी या कुछ भी जो यहाँ पे फिट हो। पर यूजुअली इसे स्टेपलर के पिन के लिए ही यूज किया जाता है, इसी फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 19, क्या आपको वेट गेन करना है? अगर हाँ तो आपको साबूदाना तो पता ही होगा जो फास्टिंग करते वक्त खाते हैं, तो बस आपको उसी साबूदाने की खीर खानी चाहिए रोज सुबह। इससे आप इतना फास्ट वेट गेन कर सकते हो कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा, ये कुछ महीनों में ही आपको पतले से मोटा कर सकता है। नंबर 18, हर एक कंट्री का अपना अपना नेशनल एंथम होता है, पर क्या आपको पता है सबसे पहली कंट्री कौन सी थी नेशनल एंथम बनाने वाली? तो वो कंट्री थी जापान। सबसे पहली बार नेशनल एंथम की शुरुआत जापान से हुई थी और उसके बाद सारे देश ने अलग अलग अपना अपना नेशनल एंथम बनाया। नंबर 17, आईफोन सबसे सिक्योर डिवाइस में से एक माना जाता है और यूजुअली इसे चोरी करने के बाद भी कोई इसे हैक नहीं कर पाता, पर आप जान के हैरान हो जाओगे कि गूगल के जो हैकर हैं उन्होंने 10 तरीके ढूंढे हैं जिससे आप इजीली आईफोन को हैक कर सकते हो, वो भी बिना आईफोन को टच किए, और ये तरीका उन्होंने 2019 में ढूंढा था। नंबर 16, ये कोई नॉर्मल वॉच नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजिकल वॉच है। ये घड़ी प्रैग्यू में है और वहाँ के लोग ये भी मानते हैं कि ये घड़ी इस दुनिया का अंत कब होगा ये भी बता सकती है, पर इस घड़ी को यूज कैसे करते हैं ये कोई भी नहीं जानता। साइंटिस्ट ने कई बार ट्राई किया पर वो कामयाब नहीं हो पाए। नंबर 15, आपने आज तक वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट और ऐसी कई सारी चीजें देखी होंगी, पर क्या आपने कभी सुना है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट काऊ के बारे में? जानिए रानी के बारे में। ये दुनिया की सबसे छोटी काऊ है, ये ऑलमोस्ट 2 साल की है और ये बांग्लादेश में रहती है। इसकी हाइट बस 20 इंचेस है और तो और इसका वेट बस 23 केजी है। नॉर्मली 2 साल की काऊ का वजन 300 से 400 किलो के आसपास होता है और इसका नॉर्मल वजन से आधे का आधा भी नहीं है। नंबर 14, आपने कई सारे एनिमे और कार्टून्स में देखा होगा कि नूडल डिलीवरी बॉय कैसे एक के ऊपर एक प्लेट उठा के ऐसे जाते हैं डिलीवरी करने को। अगर आपको वो फेक लगता है तो ये देखो, ये है रियल जापानीज डिलीवरी बॉय, एक हाथ से साइकिल और एक हाथ से नूडल्स उठा के कैसे मैनेज करते हैं। नंबर 13, आपको मशहूर रैपर एमिनम के बारे में तो पता ही होगा, इन्हें फास्ट रैपर माना जाता है। आजकल लोग इन्हें काफी प्यार करते हैं, पर इनका बचपन वैसा नहीं था। बचपन में इन्हें काफी ज्यादा बुली किया गया था और तो और ये जब 9 साल के थे तब उनके स्कूल के लड़कों ने इन्हें इतना मारा था कि ये एक हफ्ते के लिए उठ ही नहीं पाए थे और ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के लिए कोमा में चले गए थे। नंबर 12, जापान के लोग क्रिसमस के दिन KFC ही खाते हैं और ये एक दो घर की कहानी नहीं है, ऑलमोस्ट पूरे जापान के सभी लोग क्रिसमस के दिन KFC ऑर्डर करते हैं और इतना ज्यादा ऑर्डर करने की वजह से इन्हें अपना ऑर्डर ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही कर लेना पड़ता है और अपना ऑर्डर लेने के लिए आपको क्यू में ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करना पड़ता है। नंबर 11, ये जो लड़का अभी आपको दिख रहा है उसका नाम है टॉम और ये बस 7 साल का था और उसने अपने स्कूल में कहा था कि उसके अंकल सुपरमैन है और ये सुनने के बाद उसके दोस्तों के साथ साथ सारे क्लासमेट्स ने और खुद टीचर ने भी उसका मजाक उड़ाया और किसी ने भी उस पे भरोसा नहीं किया। और ये सब बात जब उसने अपने मम्मी को बताई तो मम्मी ने ये सब अपने ब्रदर इन लॉ को कहा। इसके बाद आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि सुपरमैन के एक्टर हेनरी कैविल ही आ गए हैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए, यानी इस बच्चे के अंकल ही हेनरी कैविल है इसलिए वो बच्चा ऐसा कह रहा था। नंबर 10, आप मशहूर कार कंपनी लैम्बोर्गिनी को जानते ही होंगे, तो ये पहली ऐसी ऑटो कंपनी है जिसने बिटकॉइन पेमेंट को एक्सेप्ट किया था और इनके पास काफी बिटकॉइन है क्योंकि कई लोगों ने पेमेंट की थी बिटकॉइन में और आगे जाके ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस 1 करोड़ तक भी जा सकता है। वैसे क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो? अगर हाँ तो कॉइन्स विद कुबेर ऐप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आपको मेजर क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है और यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ 100
रुपए से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉइन स्विच कुबेर का इंटरफेस स्पेशली बिगनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ये ऐप यूज करना काफी आसान है। ये इतना आसान है जितना ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करना। इसमें KYC करना काफी फास्ट और इजी है, और यहाँ आप अपने पैसों को इंस्टेंटली डिपॉजिट या विड्रॉ भी कर सकते हो। पिछले एक साल में 70 लाख से भी ज्यादा लोग इस ऐप से जुड़े हुए हैं। ये ऐप आपके लिए मोस्ट ट्रस्टेड ऑप्शन है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप कॉइन स्विच कुबेर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सोच क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करने से आपको 50 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा। कॉइन स्विच कुबेर ऐप को डाउनलोड करो और ट्रेड करो बेफिकर। और अब तो RBI ने भी बैंक्स को क्लैरिफिकेशन दे दिया है। क्रिप्टो करेंसी में मार्केट को स्टडी करने के बाद ही सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। नंबर 9, अब जरा एक बार ये कमाल की फोटो देखो। ये देखो, आपको क्या लगता है कि ये क्या है? अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो ये एक फ्रोजन लेक है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जो लेक है ये मिलियन पीसेस में टूट गई है, और ये अब देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये ग्लास में बनी लेक हो और फोटोग्राफर ने क्या ब्रिलियंट फोटो खींची है। नंबर 8, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा गांव है जहाँ के लड़कियाँ अपने बाल जिंदगी में एक ही बार काटती हैं, जानिए हियोंगलाव विलेज के बारे में। यहाँ की लड़कियाँ कभी भी बाल नहीं काटती, बस जिंदगी में एक ही बार काटते हैं जब वो 18 साल की होती है, क्योंकि तब वहाँ के लोग मानते हैं कि 18 साल के बाद ये एक न्यू लाइफ में जाने वाली होती हैं। सो ये 18 साल में एक ही बार बाल काटती हैं, फिर जिंदगी भर कभी नहीं। नंबर 7, आपको द रॉक यानी कि ड्वेन जॉनसन के बारे में तो पता ही होगा। तो ये बात है उनके हाई स्कूल की। जब वो हाई स्कूल में थे तो उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी और उनकी क्रीपी मूंज की वजह से उनके सारे क्लासमेट को ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई अंडरकवर एजेंट है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक बार ये फोटो देखो। ये फोटो उनके स्कूल का है। क्यों, लगते थे ना बिल्कुल किसी अंडरकवर पुलिस जैसे। नंबर 6, हाल ही में इंडियन हाईकोर्ट ने एक रूल निकाला था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो प्रॉपर्टी देते हैं वो वापस भी ले सकते हैं, बस अगर उनके बच्चे उन्हें मिसट्रीट करें तो। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम होने के बाद उनके माँ बाप को घर से भगा देते हैं या उनकी केयर नहीं करते। पर अब अगर कोई ऐसा अपने माँ बाप के साथ करता है तो माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, आर्टिक ओशन में रिसर्चर्स ने हाल ही में एक ऐसी शार्क खोजी जिसके बारे में सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि ये शार्क 392 ईयर्स से भी ज्यादा सालों से जी रही है। ये ग्रीनलैंड शार्क की स्पीसीज में से एक है और ये एक फीमेल शार्क है। अगर आपको इसकी एज का अंदाजा नहीं लग रहा तो समझ लो ये शार्क अमेरिका से भी ज्यादा पुरानी है। अमेरिका भी बना था और तब से ये शार्क आज तक सही सलामत है और अपने कंप्लीट हेल्थ में भी है। नंबर 4, जापान में हाल ही में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और वो था हाईएस्ट इंटरनेट स्पीड का। और आप बिलीव नहीं करोगे बट उन्होंने 319 TBPS डेटा ट्रांसफर करने जितना स्पीड नेटवर्क बनाया है, यानी कि आप 319 TB बस 1 सेकंड में यूज कर सकते हो। और अगर इसे एवरेज से कंपेयर किया जाए तो अभी आप जो यूज कर रहे हो उससे 7 मिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट है ये। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 7 मिलियन टाइम्स। नंबर 3, आपको तो अपने स्कूल की फीस ही काफी ज्यादा लगती होगी, पर बस एक बार सोचिए उन लोगों के लिए जो स्विट्जरलैंड में बस इंस्टीट्यूट ले रोसे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा स्कूल है और अब तक इससे ज्यादा महंगी किसी की भी स्कूल फीस नहीं है। जरा बस आप एक बार इस स्कूल का फोटो देखो। ये ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई UFO हो। और अगर हम इसकी फीस की बात करें तो पूरे साल की फीस है $1,15,000, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं ₹1,13,00,000। बाप रे बाप, अब सोचिए क्या होता होगा जो यहाँ फेल होते होंगे। नंबर 2, अब पॉपअप कैमरा वाले फोन क्यों नहीं आते? ये ट्रेंड आते ही चला क्यों गया? मतलब ये फीचर आया था तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, बट जिस स्पीड से पॉपुलर हुआ था उसी स्पीड से ये चला भी गया, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 3 वजह है। सबसे पहला कि पॉपअप कैमरा फोन को वीक बनाता है। अगर
अगर आप बाहर पॉपअप कैमरा यूज करते हो तो आपके फोन में डस्ट जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है और लॉन्ग टर्म यानी कि कुछ 2-3 सालों में ही आपका फोन खराब हो जाएगा। और इसका रीजन होगा मदरबोर्ड में डर्ट जाना। सेकंड रीजन ये कि ये आपके फोन को वाटर रेजिस्टेंट नहीं बनाता है। आजकल सारे फोन वाटर रेजिस्टेंट होते हैं बट पॉपअप कैमरा वाले फोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते। और अगर आपका फोन थोड़ा भी पानी में गिरेगा तो समझ लो उसका। और थर्ड रीजन ये भी है कि अगर आपका फोन आपके जेब में है और तभी अगर किसी का वीडियो कॉल आए तो आपका पॉपअप कैमरा खुल जाएगा, क्योंकि वीडियो कॉल में कैमरे की जरूरत होती है। और ऐसे में अगर आपकी जेब टाइट है तो उसका कैमरा टूट भी सकता है। और ऐसी कई छोटी छोटी प्रॉब्लम थी जिसके चलते पॉपअप कैमरा मार्केट से गायब हो गया। नंबर 1, पुलिस की गाड़ी पे रेड और ब्लू कलर का ही सायरन क्यों होता है? एम्बुलेंस में बस रेड कलर का सायरन होता है तो पुलिस की गाड़ी में रेड और ब्लू कलर के सायरन क्यों होते हैं? और भी कोई कलर हो सकता था, क्या कभी आपने ये सोचा है? अगर हाँ तो आज आपको इसका आंसर मिलेगा। रेड कलर जो है वो है कलर जो कि लोगों को अलर्ट करता है। आपके सामने अगर कई चीजें रखी होंगी फिर भी आपको सबसे क्लियर रेड ही दिखेगा। लोग रेड कलर से अट्रैक्ट होते हैं और रेड कलर डेंजर का भी साइन है तो लोग रेड कलर को जल्दी देखते हैं। तो रही बात ब्लू की, तो आपने रात को देखा होगा कि सारी कार की टेल लाइट रेड कलर की होती है, तो रात को पुलिस के सायरन और सबकी टेल लाइट में कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्लू लाइट होती है। और इसलिए आप सायरन और नॉर्मल टेल लाइट में डिफरेंस बता पाओगे। और साथ ही पुलिस गाड़ी में ये आवाज लोगों को डिस्टर्ब करने वाला साउंड यूज करते हैं ताकि सबका ध्यान अट्रैक्ट हो यहाँ पे। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहां तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।